कर्म है कर्तव्य अपना, कर्म हमने कर दिए, क्या बुरा है क्या भला है आप अब ये जानिए। सत्यप्रकाश स्टेट एजेंट। जय माता दी, जय माता दी। ए भगवान, सत्य हो इस देश में, सत्य हो। चंडी रवानी जी नमस्ते। नमस्ते हम नहीं समझते, पर एक सत्य साईं हमें रास्ते लगाकर नमस्ते करता है। अपुन क्या रास्ते लगा तुमको सेठ? अरे आज 10 दिन हो गया, हमने तुमको अपने मकान का चाबी दिया, तुम अभी तक एक भी किरायेदार पकड़ के नहीं लाया। कसम धंधे की सेठ, अपन बहुत ट्राई किया, अब तुमको भाड़ा भी जास्ती मांगता है और डिपॉजिट भी जास्ती मांगता है। अरे अगर तुमने जेन्युइन ट्राई मारा होता तो कोई ना कोई किरायेदार मिल जाता। तुम हमारा चाबी वापस करो, अब हम खुद ट्राई मारेगा। कोई वांधा नहीं सेठ, ये लो अपनी खोली की चाबी। सत्तू भैया ये का मूर्खता कह दिए, आज एक मोटे किरायेदार से बात किए, अब हम उनको का जवाब दे? आप तो चाबी उठा के उनको दे दिए। प्यारे लाल बनारसी, ये देखो चबिया, डुप्लीकेट चबिया। अच्छा, खोली का धनी चंदी रमानी जी है, मगर भाड़ोतरी से भाड़ा और डिपॉजिट सत्य प्रकाश वसूल करे। कसम धंधे की। आओ साई खोली देखो। अच्छो आओ साई, आओ। बट वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी आए, वाटर सप्लाई, कटन कबर्ड संडास रूम, नो टेंशन। जो खपे सब आए मैडम, कोनो बात का चिंता नहीं। अरे भगवान, रूम अठू ना पसंद आना। हाँ, घर तो डाडो सुटो है। अरे बड़ी, घर का डिपॉजिट तो देना। अरे बाबा, एग्रीमेंट बनानी पहले। अरे साई, एग्रीमेंट तो कल ऑफिस में बनाएगा, अब उन बेफालतू का पैसा तो लेता नहीं ना। अरे खोली का चाबी भी तो देता है पैसा। पैसा दे। तू पहले चाबी तो लो। नहीं पैसा दे, अरे घबरा तक आई, ये लेना पैसे। साई चाबी लो, नोट तो बहुत पुराना है। गवर्नमेंट का है ना? गवर्नमेंट का है, चलेगा। यू आर वेरी लकी, झूले लाल जानता है। बड़ी इतने कम कढ़ाए और इतने कम डिपॉजिट में सारी मुंबई में फ्लैट नहीं मिल सकता। अरे पाए खोलो। बड़ी सही, हम कढ़ाए से पहले डिपॉजिट लेता है। नी शाह जी, डिपॉजिट की दुनिया तो बाहर निकलो। ऐ दसो, ओ लोकी कौन ने? सत्तू तुम? अरे चंद्रमल जी, वेलकम वेलकम वेलकम, आइए। बड़ी तुम अंदर कैसे आया, बाहर का दरवाजा कैसे खोले? नहीं अरे चंद्रमल जी, आपके जात वाले क्या है? जरा जल्दी, वो मेरी मीटिंग है। ओके बाय प्यारे। बड़ी तुम अंदर कैसे आया? नहीं अरे बाबा, 5000 डिपॉजिट दिया, नहीं रूम भाड़े पे लिया, नहीं रूम की चाबी भी हमारे पास है, अभी मकान मालिक देखे गए ना तुम्हारे सामने। बड़ी मालिक तो हम है नहीं, बड़ी ये देखो हमारे पास चाबी है। तो
हम तुम्हारी चाल समझ गया। मेहनत की रोटी खाता रहूंगा, मेहनत की रोटी खाता रहूंगा, यूं ही पसीना बहाता रहूंगा, खानदान न अपन करेगा, पाकिट न अपन मरेगा। ले लो कसम धंधे की, मुझसे ले लो कसम धंधे की, मेहनत की रोटी खाता रहूंगा। कसम धंधे की, मुझसे ले लो कसम धंधे की, मेहनत की रोटी खाता रहूंगा। ले लो कसम धंधे की, मेहनत की रोटी खाता रहूंगा, यूं ही पसीना बहाता रहूंगा, खानदान ना अपन करेगा, पाकिट ना अपन मरेगा। ले लो कसम धंधे की, मुझसे ले लो कसम धंधे की, ले लो कसम धंधे की, मुझसे ले लो कसम धंधे की। कमाल है वल्लर साहब, आप पुलिस वाले लोग इतने शरीफ कब से हो गए? क्या बोला रे? पुलिस वाले को गाली देता है? अरे गुस्सा क्या को करता है बाप, अपन तो जरा सरप्राइज देके तुम अपने को जेल में नहीं डाला। तेरे को मालूम नहीं तेरा कोई जामीन बन गया, इसीलिए साहब ने तेरे को छोड़ दिया। चल क्या अपन का भी कोई जमीन बन सकता है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, कह दिया ना, दो घंटा से कह रहे हैं सत्तू भैया घर में नहीं है, फिर भी आप हमारे पीछे पड़े हैं। हम पीछे कहाँ पड़े हैं, हम तो आगे खड़े हैं। अरे क्या करूँ कि बीच में मेज है, नहीं तो हम तो मारने में इतना तेज है। माँ ओ बनर से लगता है दोनों भाग गए, मगर ये दरवाजा किसने खोला? दरवाजा हमने खोला और दरवाजा हमने बंद भी कर दिया। छोगा मल जी आप? आप नहीं, तेरा बाप, तेरे बाकी के रिश्तेदार भी यहाँ खड़े हुए हैं और नौकर भी बना हुआ है। छोगा मल जी, मैं नाक रगड़ कर वादा करता हूँ कि मैं आपके और इन सबके पैसे बहुत जल्दी चुका दूंगा। अरे नाक रगड़ रगड़ के न जाने कितनी पत्थर की सिले तूने रगड़ डाली है, लेकिन आज हम पत्थर दिल होकर आए हैं, हम नहीं पिघलेंगे। हट हट छोगा मल जी, मैंने आपकी लड़की के लिए एक बहुत अच्छा लड़का तलाश किया है। अरे हाँ। मेरी लड़की के लिए बहुत अच्छा लड़का तलाश किया है, कितना अच्छा लड़का है ये। अरे हट, बाहर में जाए मेरी लड़की और चूल्हे में जाए तू,
अरे सेठ छुगामल के रेडीमेड स्टोर के कपड़े पहन पहन कर अपने आप को सजा लिया और हमारी ये हालत कर दी तूने। हम तुझको नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। छुगामल जी, 7 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपके और इन सबके पैसे लौटा दूंगा। कसम धंधे की, कसम धंधे की खा खा कर तूने हमारे धंधे मंदे कर दिए, गबारा कर दिया हम सब लोगों का। अब तेरी कसम का कोई एतबार नहीं, तू ला एतबार है। अच्छा मल जी। अच्छा मल नहीं छोगा मल, मेरा मतलब है छोगा मल जी। अगर कोई शरीफ आदमी अपना जामिन बन जाए तब तो आप हमको मोहल देंगे ना? कौन देगा तेरी जमानत? मेरी माँ। तो ये क्या लफड़ा चल रहा है? अरे वरी लफड़ा बहुत तगड़ा है। सत्तो फंसा है कर्जे के जाल में, आप देंगी इसकी जमानत? तेरे रोज रोज के लफड़े में कौन पड़ेगा, नहीं देती जमानत। मम्मी प्लीज, प्लीज सेव मी। 2 साल से क्या तुमको कम हेल्प किया, कितना हेल्प किया, फिर भी तुम हमको हमको सताया, पब्लिक को सताया। अभी हम तुमको कभी हेल्प नहीं करेगा, कभी नहीं। ऊपर वाले, काय को तूने अपन को लावारिस पैदा किया। आंटी ने अपन को अपने बेटे रॉबर्ट के माफिक समझा, इसलिए तो अपन ने आंटी को सगी माँ के बराबर समझा। आज आज आंटी ने अपन को नहीं बचाया, अपन से मुंह फेर लिया। आज अपन की सगी माँ जिंदा होती तो अपने कलेजे के टुकड़े को जरूर बचा लेती, जरूर बचा लेती। हेलो, यस तो मैडम, हम लेते हैं इसका जमानत। अपन को नहीं चाहिए जमानत। तो चुप बैठ। देखो तुम लोग 7 दिन के बाद आना। हाँ हम देगा। अरे वरी मैडम ने जमानत दी तो हमने जमानत मान ली, लेकिन फिर भी जमानत की मजबूती के लिए इस छछूंदर के बच्चे को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। और बेटे, अगर 7 दिन के अंदर अंदर तेरे गुरु ने हमारा कर्जा वापस नहीं किया ना, तो हम तेरा चुकता कर देंगे। खटाक खटाक खटाक। ना इंसाफी है, करम मूछ वाला पकड़ा जाए, दाढ़ी वाला इका है। बर्दाश्त कर ले प्यारे लाल, क्या तू अपने उस्ताद के लिए इतनी छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकता? अरे क्यों कुर्बानी नहीं दे सकता, अरे कुर्बानी देने वाला ये है, कुर्बानी लेने वाला होना चाहिए ना। अरे बेबी, ये बॉक्सिंग की थैलियाँ पहन कर तू कहाँ जा रही है? मम्मी आज मैं बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के बॉक्सिंग मैच खेलने जा रही हूँ। अरे बाबा मारे गए बेमौत, मैं तेरे बॉक्सिंग मैच खेलने का मतलब अच्छी तरह जानती हूँ। अरे झूले लाल मुझे रक्षा कर। अरे तुमको शर्म भी नहीं आती है, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, तुमने और डैडी ने एक दूल्हा भी नहीं ढूंढा मेरे लिए। अरे बेबी क्या बात करती है, मैंने और डैडी ने कौन सी कसर छोड़ी है? सुबह से शाम तक तेरा दूल्हा ढूंढने को जाता है पिताजी। हाँ मगर जो आता है देखता है इतनी मोटी लड़की है, वहीं से बेहोश हो जाता है। क्या तुम मेरी माँ हो कि मेरे को मोटी बोलती है? खैर मैं अभी मजा चकाती हूँ। बेबी 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 अरे किधर हो? मैंने कहा हम इधर में है और साथ में आसामी भी है। अरे मम्मी डैडी मेरे लिए दूल्हा लाए हैं, दूल्हा लाए। अरे ये दूल्हा नहीं है, मेरे कर्जे का चूल्हा है, मैं इसके थर की हड्डिया में अपने दूध भी आपको पका कर वसूली करूंगा। अरे नहीं डैडी, ये दूल्हा मुझे पसंद है। अरे बेबी छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगी। अबे मेवानंद फटाफट दारू पी ले, आज झगड़ा होने वाला है। झगड़ा होने वाला है? हाँ फटाफट दारू पी, आज झगड़ा होएगा ही होएगा, पक्का होएगा। लेकिन कब होगा? हाँ तब होएगा, जब ये लोग अपन से दारू का पैसा मांगेगा ना, तब ये झगड़ा होएगा ही होएगा, तब तो झगड़ा जरूर होएगा। ले थोड़ी और पी। ए चुप बैठो, चुप बैठो, नहीं तो आप मारूंगा आप सालों को। एक और नमूना आ गया जमशेद भाई।
आज अपन मजाक के मूड में नहीं है, फटाफट मौसम्बी का अड्डा पिला दे। वाह सत्तो भैया वाह, अगर मौसम्बी का अड्डा चाहिए ना तो पुराने कर्जे का आधा मान लो, समझा? आज तो अपन एकदम कड़का है, कसम धंधे की। कसम खा के जमशेद दारू वाले का धंधा काय को मंदा करता है। उधर देख उधर, वो पतली गली बाहर जाने के लिए, चल निकल। व्हाट व्हाट चल। ए उठले यहाँ से, चल दूसरा ग्लास संभाल। डार्लिंग तुम इतना दिन किधर गुल हो गया था? एक बिजनेस ट्रिप थी दुबई से बारन की। दुबई से बैरन की या मकान की दलाली से पुलिस लॉकअप तक? तो दारू का अड्डा चलाती है या सीआईडी में काम करती है? अरे डाले मेरे को तो ये भी पता है कि तुम इस बार जेल जाने से बच गए, क्योंकि किसी भले आदमी ने तुम्हारी जमानत दे दी। पता नहीं कौन था वो भला आदमी, अगर मुझे मिल जाए कसम धंधे की उसके हाथ चूम लूं। तो चूम लो मेरा हाथ। अच्छा तो तुम थी? यस डाले, पर तू ये बता एलमी के साथ मैरिज कब बनाएगा? मैरिज बनाने से पहले अपुन अपना धंधा जमाना चाहता है, कसम धंधे की। सच्ची? एकदम मुच्छे। शकुर भैया, बालन दादा के आदमी को ना तुम हफ्ता देते हो ना हमें देने देते हो, इसे क्या होगा मालूम है? साल वाले के धंधे के 12 बज जाएंगे और हमारी जान खतरे में आ जाएगी। बालम दादा को हफ्ता देना बिल्कुल बंद कर दो, ऐसे डरोगे तो धंधा कैसे करोगे? शकुर भाई तुमको आए 2 दिन हो गए, वो क्या है वो हमको मालूम है, वो बड़ा खतरनाक गुंडा है, नाग से भी ज्यादा जहरीला है। नाग से भी ज्यादा जहरीला है? अगर तुम्हारा वो जहरीला नाग गलती से भी यहाँ आ गया ना तो उसकी सारी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। शकुर भाई, शकुर भाई, खतरे की घंटी वाजली। खतरे की घंटी? मुझे तो कोई घंटी सुनाई नहीं देती। हाँ एक फटफटे की आवाज जरूर सुनाई दे रही है। फटफटी फटी क्या फटेफटे लगा रखी दादा? अरे भाई इधर क्या हो रहा है तुमको नहीं मालूम, अभी तो उसके आदमी आ रहे हैं, उसके बाद फटफटे बैठ के वो आएगा। शकुर भाई एक बात कहूँ, इनसे आप मुझे बचा लेंगे? आने तो दोस्त मच्छर को, एक ही चुटकी में मसल के रख दूंगा। अच्छा खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बहुत दादागिरी दिखा रहा है। दादा यही है शकुरा। एंड बालन एंड शकुरा दोबारा इधर दिखाई दिया तो मार देगा छुरा। इसका स्टाल का सब गल्ला लाओ। अच्छा बालन भाई हम सब लोग हफ्ते तक तैयार थे, मगर शकुर भाई ने गड़बड़ कर दी, माफ कर देंगे ना? एंड बालन पॉकेट में माफी नहीं लेता, नोट फेंको माफी ले लो। एंड बालन इधर नहीं आता तो सिंगल हफ्ता, एंड बालन इधर आता तो ये मोटरसाइकिल पेट्रोल खाता, इसलिए डबल हफ्ता ला। चलो बालन
बालन दादा, अगर आपको डबल हफ्ता देंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? हम तुमको खिलाएगा। अब आई सी स्टॉप इट। कौन? तू खुद को बहुत बड़ा दादा समझता है हा? और एक ओल्ड मैन को टॉर्चर करता है। छी! एंड बालन नेंड कौन हाँ? कौन है ये चौकरी? दादा ये दारू का अड्डा चलाती है, नाम है एलमी। एलमी? अरे बाप रे, आज तो काम बन जाएगा। अरे फिर आ गया मोटू। पंडित जी आइए 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 ना आइए आइए आइए। प्रणाम प्रणाम। अरे खुश रहो, खुश रहो। कैसे आना हुआ? अरे तुम्हारे लिए जो भी करे वो कम है, तुम्हारा जो काम था सो बन गया, इसीलिए मिठाई खाने चला आया हूँ। मेरा काम? कैसी मिठाई? ये लो, खुद ही देख लो फोटो। अरे माँ, अब आइए बैठिए, बैठिए ना बैठिए। अच्छा तुम कहते हो तो मैं बैठ जाता हूँ, बैठिए बैठिए। दादी मेरी दादी मेरी दादी, माफ कर दीजिए बाबू जी, माफ कर दीजिए पंडित जी, माफ कर दीजिए। अरे मुझे उठा, मैं उठाता हूँ। आइए आओ। अरे मैं तो गड्ढे पे गिर गया रे। क्या कहता है टकले बंधु? ए भाई लोग, दादा दारू काटा तो शाम को खुलता है, तुम दिन में कहाँ घुसे चला रहे हो? ठहरो ठहरो ठहरो। हम एलमी के लिए बालन दादा का संदेशा लाए हैं। बालन दादा का संदेशा? कैसी बातें करते हो? क्या बात है? बालन दादा ने अभी तुझे याद किया है और तेरे लिए ये शादी का जोड़ा भेजा है। शादी का जोड़ा? हाँ शादी का जोड़ा, और इसी को पहनकर तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, नहीं तो? नहीं तो क्या बे टकले, तुम्हें जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे। मेरे ख्याल में ये आइडिया अच्छा है। अब समझ गया समझ गया। और जोकरी ने तुम टकला बंधुओं को ऐसा धोया जैसा दो भी कपड़ा धोता। अब समझ गया, मजा आया। तुम लोगों का घर वाली भी तुमको ऐसा ही पीटता है। इन्हें बालन को एक बात का खुशी, जिस चौकरी से इन्हें बालन इंप्रेस हुआ और बहुत दमदार। हम तुमको इस खुशी में माफ किया, माफ किया। लेकिन वो चौकरी एक दिन हमारा अड्डा पे आएगा, जरूर आएगा। या मखदूम शाह बाबा, मैं अच्छा हूं या बुरा, लेकिन मैं हमेशा आपके दरबार में हाजिर होकर आपकी नजरें करम चाहता हूं, मुझ पर रहम कीजिए। अरे वो द्वार रस्से नहीं,
सस्ते का माल सस्ते में। मैडम ये बटवा तुम्हारा है? अपुन का तो नहीं है, पर अपुन ने इसे पढ़ा हुआ पाया है। पढ़ा हुआ पाया है? अरे पहले हमने देखा है, अरे ये हमारा है। से क्या होता है, पहले से मैंने उठाया है इसलिए ये बटवा मेरा हो गया। अरे ये कोई छोकरा है कि तुमने देखा और तुम्हारा हो गया? ये पर्स मेरा है, लाओ सीधी तरह, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। बहुत पहचान है मेरी वहाँ। पुलिस को क्यों बीच में लाते हो? आपस में ही फैसला कर लेते हैं, क्या ख्याल है? अरे कैश और सोने का बिस्किट। ऐसा करते हैं, ये नोट तुम रख लो और ये बिस्किट मैं रख लेती हूँ। अरे ये कोई ग्लूकोमुनाका का बिस्किट है कि मैं रख लेती हूँ? सोने का बिस्किट है, इतने बड़े आदमी को बेवकूफ बनाने चली है गिड्डी कहीं की। ये ले, ये 10,000 का बंडल है, ये रुपए और ये दोनों रुपए, ये तू सब रख ले, ये सोने का बिस्किट मुझे दे दे। ठीक है, पर ये लाल रिबन कैसा है? ये हमारा खानदानी रिबन है, सेफ्टी का रिबन, रेड रिबन हर जगह काम आता है, छुपा ले। लेकिन सेठ तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, लड़की हो इसलिए ज्यादती कर रहे हो। ठीक है, अरे चल 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 चल। अरे ज्यादती नहीं करेंगे तो हमारी बढ़ती कैसे होगी? अभी जाकर सुनार को देता हूँ। अरे सोने में खुशबू कहाँ? भाई साहब यहाँ पास में कोई सुनार की दुकान है? जी हाँ, मैं ही सुनार हूँ। मोटा भाई जवेरी का नाम नहीं सुना आपने? मोटा भाई जवेरी, वो तो बहुत मोटा है, मगर हो सकता है आप डाइटिंग कर रहे हो। वेरी प्लीज टू मीट यू, आई एम छोगा मल। बात ऐसी है मोटा भाई जवेरी, मेरे पास ये सोने का बिस्किट है, आप खरीदेंगे? जरूर खरीदेंगे, ये लो 20 रुपए। 20 रुपए? आपका दिमाग तो सही है, असली सोने का है, 20,000 रुपए दीजिए। आपको सुबह से कोई मिला ही नहीं क्या? ये पीतल का है। पीतल का है? अरे छोगा बल, 10,000 में पीतल का बिस्किट? अरे ठग लिया छोकरी ने, खाने के काम भी नहीं आएगा, सत्यानाश हो जाए तेरा। पॉकेट मारना? नहीं 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 सत्तू बेटे, कसम धंधे की पॉकेट मारना है तो बड़ा घटिया काम, लेकिन जेल से बचने के लिए ये नेक काम तो करना ही पड़ेगा। पॉकेट मारना, इसी की मारता हूं पॉकेट गोला खिला के। अरे देखता नहीं क्या? सॉरी। अंदर हो? सॉरी। व्हाट? कुत्ता, इडियट, साला 10 पैसा लेके घूमता है। वाह ऊपर वाले, मैं तुझसे 10,000 की गड्डी मांग रहा था और तूने दे दिए 10 पैसे। चलेगा, और ढूंढो। ये मैडम की जेब तो भरी हुई लग रही है। पठाड़ाल, देख कर नहीं चलते, अंधे हो क्या? अंधे तो देख के नहीं चलते मैडम, आपकी तो आंखें हैं, आप क्यों नहीं देख के चलती? मवाली कहीं का? मवाली कहीं का? कसम धंधे की क्या मस्त छोकरी है, एक ही झटके में अपन का दिल ले गई और ये नोटों की गड्डी दे गई। लेकिन अपन वादा करता मैडम, ये नोट तुम्हें ब्याज के साथ वापस करेंगे। छोगा मल जी, जी ये रहे आपके कर्जे के पैसे। अरे वरी, एक ही थप्पी में कर्जा तमाम कर दिया, वेरी गुड बॉय। मेरा ही माल, मेरा ही लकी रिबन, ये इसके पास कैसे आया? जैसे भी आया, मेरा क्या हुआ माल तो मुझे वापस मिला। सुन लो, अब तुम लोग फिक्र मत करो, तुम्हारा माल मेरे पास में है, उस तरह वापस रख लो। अबे कुत्ते ये ले, राशन खाते खाते मेरा दिवाला पीट दिया, जा आजाद किया तुझको। सत्तू भैया माफ कर दो, यू आर वेरी गुड पे मास्टर। रोकड़ा आते ही लोगों की जुबान कितनी मीठी हो जाती है। अरे अब गिले शिकवे जाने दो, दूर करो बड़ी यार। अब तो आप लोगों को मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? अरे भाई काहे की शिकायत, अब तो मोहब्बत है। इसका मतलब ये है कि कल से आप लोग अपन को उधार का नया खाता देने के लिए तैयार है? अरे क्यों नहीं तैयार है, अरे भाई सत्तू भाई देर से देता है मगर पैसा दे तो देता है। अब आप लोग ऐसा करो, हर हफ्ते आकर मेरे घर से इंस्टॉलमेंट ले लेना। तू मेरे अच्छा मल, आपको अपना पैसा मिल गया ना, फिर हमको क्यों लिए जा रहे हो? मैं तुमको नहीं ले जा रहा हूँ, अपने पट्टे को ले जा रहा हूँ। तुम हमारे पट्टे के साथ आ रहे हो, हमारा पट्टा छोड़ो। अरे छोड़ो पट्टा। आई एम वेरी हैप्पी माई सन, आई एम वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश हुआ, तुमने अपने सर का सारा बोझ उतार कर फेंक दिया। आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन बेटे, हाँ?
इतना सारा पैसा तुमने कहाँ से लाया? माँ, अपन को बहुत बड़ा कंपनी में नौकरी मिल गया है। अच्छा? 2000 रुपए तनख्वाह मिलेगा। बॉस बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, अपन बॉस को बोला अपने ऊपर बहुत कर्जा है। बॉस पिघल गया, उसने फट से एडवांस में 10000 रुपए निकाल के दे दिया कर्जा उतारने के लिए। हर महीना अपने पकड़ में से काटता रहेगा। रियली? कसम धंधे की। अबे निकाल अपन का 10000। 10000? कौन सा 10000? अबे शाणे, अपन का नाम है शालू और खीसे में रखती हूँ तेरे जैसे चालू। फटाफट अपना माल निकाल, नहीं तो 20 सड़क में तेरी इज्जत का जलूस निकाल दूंगी। अरे इतना गुस्सा काहे को करती है? अपन ने तो कर्जा उतारने के लिए तेरी जेब मारी थी। तो क्या तेरे को अपन के ही बच्चों का पैसा मिला था? तेरे बच्चे? कहाँ है तेरे बच्चे? अरे अपन पालता है अनाथ बच्चों को, नहीं समझा? अरे लावारिस बच्चे, उन्हें खाना कौन खिलाएगा? अच्छा अच्छा, अपन से गलती हो गया, लेकिन अपन वादा करता है कि अपन तुम्हारा पैसा एक प्यारे से तोहफे के साथ वापस करेगा। प्यारा सा तोहफा किस बात के लिए देगा? कितनी भोली हो तुम, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि एक छोकरा एक छोकरी को प्यारा सा तोहफा क्यों देता है? शालू को प्यारा सा तोहफा देने से पहले बीड़ू अपनी शक्ल जरा आईने में देख लेना। हफ्ते भर के अंदर अपन का पैसा अपन को वापस चाहिए, समझा? क्या चाल है? जेटी, ओ मिनिस्टर को फोन करो, उसको बोलो 30000 रुपया एडवांस देगा तो एंड बालन झोपड़पट्टी तोड़ देगा। चंदी रमानी को कैसा बेवकूफ बनाया हम लोग। सत्तू साई चेला हाय चेला हाय। चुलेलाल हो गया पूरा हाल, ले गया सब माल। ए हाथ निकाल साले, नहीं तो मारूंगा मारूंगा। ले गया सब माल। माल चाहिए चाहिए, ये देख मेरा जाल, ये देख खंबा लंबा। अरे बाड़ू दारू नहीं, माल चाहिए, पैसा पैसा पैसा। पागल पागल करके से मांगता है पैसे, पगला दीवाना। आपका काम हो जाएगा शिंदे साहब, मगर बालन दादा का कहना है कि आप आज 20000 रुपए जरूर दे दीजिएगा। हाँ हाँ मैं दे दूंगा 20000 रुपए, लेकिन एक शर्त पर, भारत नगर झोपड़पट्टी का एक एक झोपड़ा टूट जाना चाहिए ताकि मैं अपनी जमीन पर एक आलिशान थिएटर बना सकूं। जरूर बनवाइए। ठीक है, आप अपने आदमी को भेज दीजिए, मैं अभी अभी पैसे दे देता हूँ। शुक्रिया शिंदे साहब, मैं आज अपने आदमी को आपके घर भेज दूंगा, आप उसे 20000 रुपए दे दीजिएगा। बालन 20000 रुपीज। वाह वाह डैड वाह, इसे कहते हैं देश सेवा। गरीबों के झोपड़े तोड़वाकर उसी जमीन पर सिनेमा हॉल बनाने से बड़ी देश सेवा और कौन सी होगी डैड। तुम एक बात मत भूलो प्रीतम, तुम अभी भी बच्चे हो। इंसान पहले अपने घर में दिया जलाता है और बाद में मंदिर में, समझे? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती डैड, कि हमारे देश के ज्यादातर नेता अपने चेहरे पर दूसरा चेहरा लगाकर क्यों फिरते हैं? तुम्हें कॉलेज में ऊंची तालीम दिलवाने से मुझे सिर्फ इतना ही फायदा हुआ है, तुम्हारी जुबान दिन ब दिन कड़वी होती जा रही है और मैं इतनी ज्यादा कड़वाहट कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं भी इतनी ज्यादा नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकता डैड। बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम तुम्हारे आंख और कान बंद कर लो, समझे? आइंदा कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो मैं बड़ी सख्ती से पेश आऊंगा, समझे तुम? और इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हैं? एंड बालन का आदमी, बालन ने भेजा पैसा लेने के लिए। ये लो तुम्हारे 20000 रुपए, लेकिन मेरा काम ताबड़तोड़ हो जाना चाहिए। हो जाएगा, कसम धंधे की। अबे उठ। कौन है? कौन है? सुन रहे हैं? चल उठ। दो तीन चार पांच पांच
गज टकले। लगता है मैं टकलों का सपना देख रहा हूं। सो जा। अबे ये सपना नहीं, ये असली टकले बंदू हैं। उठ। कसम धंधे की, मेरे अंगने में टकलों का क्या काम है? हमें उस्ताद ने सुपारी दी है। उस्ताद ने? हाँ, तेरे को उठाने के लिए। अरे भाई, अरे प्यारे, अरे टकलों की बारात, बार बार। कुछ करे चाहिए प्यारे लाल। नहीं। अरे बबुआ, झगड़ा काही कर रहे हो? तनिक भोजन कह लो। अरे ऊका नहीं, तूका बुला रहे हैं। आ पी लो। अरे अरे मेरी टांगे सुनो। अबे टकलो बहुत खुश दिए तुम्हारे सर पे। अरे 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 हट हट। अबे टकले, इन दोनों को जानता है तू? नहीं। साले जू बीच में कल तेरी बीवी को घुमा रहे थे, आ जरा देखे। अबे मेरी बीवी को छोड़ता है? छोड़ो। कसम धंधे की, तेरे टकले के लिए मेरे पास एक दवाई है। क्या है वो दवा? अबे सबको ये उल्लू बना रहा है, इसे छोड़ना नहीं। तूने मेरी शर्ट पकड़ी, चल छोड़। मैं छोड़ूंगा। डोंट टच। अरे अरे ये बहुत हो गया, चल। अरे आओ मेरे पीछे पीछे पीछे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ आओ कम। तेरी की अभी बताते हैं, ये रहा डिस्को पाउडर। अबे टकलो, मैं थक गया हूं, मेरी ताकत नहीं। अबे बलास से आना। बड़े हैं छोड़ना, उसके पर मर जाएगा। अरे मर जाएगा मेरा बना जी, मर जाएगा। अरे कसम धंधे की बाप, अरे पत्ता भी टकला है, पत्ता भी टकला है। सारे पहले बताते कि उस्ताद से मिलना है। अरे बनारसी, बनारसी में अभी आता हूँ, चलो ना। एंड बालन एंड सत्तू, हमारा रोकड़ा सामने रखो। रोकड़ा? कौन सा रोकड़ा बालन दादा? बालन दादा को ओवरटेक नहीं करो लल्लू, वो रोकड़ा जो तुम नेताजी से लिया, 20,000 रुपया लाओ। बालन के होते हुए ये हीरो रुपए लेके गया? हम अपन नेताजी से आज तक नहीं मिला, कसम धंधे की। ए गंजा लोग, इसका पूरा कपड़ा खोलो और पैसा निकालो। तुम उधर देखो, उधर सब कपड़ा खोलो। कितना मिला? सॉरी बालन दादा, अब उनसे मिस्टेक हो गया, अपन तो कर्जा चुकाने के वास्ते कपड़ा किया था। अक्का बॉम्बे में एक ही दादा बालन दादा, और तेरा बालन दादा को चूना लगाने का हिम्मत कैसा हुआ? अब उनको एक बार माफ कर दो। नहीं! बालन दादा, अब तो तुम्हारे सामने मच्छर है। क्या बोला तू? मच्छर। मच्छर? अरे बालन मच्छर को नहीं मारता। हम तुमको माफ किया, माफ किया। आइंदा कभी मिस्टेक किया तो बालन दादा तेरा पेट चीर के सभा तड़िया बाहर निकाल देगा। पप्पो, बालन दादा अब उनको इतना तो बता दो कि तुम्हारा एरिया किधर तक है। जाते जाते जाते। पप्पा रे बापा, ए लाजो मकान देख कितना ऊंचा है। हाँ भैया। ए क्या देख रहे हो? मैम साहब मकान देख रहा हूँ, आप भी देखो कितना ऊंचा मकान है। मकान नहीं बिल्डिंग है, बिल्डिंग। क्या तुम्हें मालूम नहीं इस शहर में किसी भी बिल्डिंग को मुंडी ऊपर करके देखना जुर्म है? आप पुलिस वाली है क्या? हाँ, सादे लिबास वाली पुलिस। जानते हो हर माने को देखने का 1 रुपया जुर्माना लगता है। कौन सा माला देख रहे थे? एक दो तीन चार पाँच छह सात
होता। जल्दी दसवां माला तो निकाल, 10 रुपए। इलाजो निकाल 10 रुपए। अरे जल्दी बाबा, ये लीजिए। ठीक है ठीक है। हाँ, सुनो आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। क्या? अच्छा जी। ये क्या भैया, पूरे 10 रुपए का नुकसान हो गया और तुम हंस रहे हो? क्यों नहीं हंसू? अरे मैंने उस पुलिस वाले को उल्लू बना दिया, 30 रुपए बचा लिए। वो कैसे भैया? मैं तो 40वां माला देख रहा था लेकिन मैंने उसे 10 ही माला बताया। शाबाश भैया, तुम तो शहर में आकर होशियार बन गए। सत्तो तेरे चने चबाने के दिन आ गए। ओ देहातीस, नो चांस। देखा लाजो कितना बड़ा शहर है। हाँ भैया, इतने बड़े शहर में हमारा गुजारा कैसे होगा? घबरा मत लाजो, राम जी सब ठीक कर देंगे। भैया मुझे बड़ी प्यास लगी है। प्यास लगी है? तू बैठ, मैं पानी लाता हूँ। पकड़ पकड़, मार मार मार। ले ले ले। माल तो अच्छा है भीड़ू, लगता है कहीं बाहर का है। लगता है अकेली भी है। चलो इसका अकेलापन दूर कर देते हैं। हे गुड़िया, तू तो इतनी अच्छी है, फिर ये पोटली सीने से लगाए क्यों बैठी है? आजा आजा मेरे पास अनाज कभी। छोड़ दीजिए मुझे, भगवान के लिए छोड़ दीजिए भैया, छोड़ दीजिए भैया। राजो घबरा मत, तेरा भाई अभी जिंदा है। लगता है बहन का भाई भी साथ में है। ए, छोड़ दे मेरी बहन को वरना एक एक का खुचुमर बना दूंगा। अब भी फैसला हो जाएगा तुम्हारी तो। ये देहाती तो काम का लगता है, इससे काम निकाला जा सकता। अरे मैं सत्तो सत्तो सत्तो, ये जरा हटाओ। पहलवान जी आप बड़े काम की चीज लगते हो। अच्छा जी, तुम काम क्या करते हो? काम की तलाश में शहर आए हैं। ये मेरी बहन लाजो और हम भोले शंकर। भोले शंकर, आज से लाजो तुम्हारी नहीं मेरी भी बहन है। काम तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, रहने की जगह भी, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अच्छा जी चलो आ जाओ आ जाओ। माँ कहाँ है? माँ रसोई घर में है। अरे अरे पहलवान जी, अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो? पेटी डंडा ताम झाम लेके कहा धर्मशाला समझ रखे हो का? ये कौन लोग हैं? ये भोले शंकर और ये इसकी बहन लाजो। नए नए गांव से आए हैं, सड़कों पे भटक रहे थे काम के लिए, मैंने यहाँ लाया, सोचा इन्हें सहारा मिल जाएगा। भोले शंकर ये मेरी माँ है। अच्छा जी, ये अगर आपकी माँ है तो हमारी भी माँ है। क्यों लाजो? सत्तो इधर आ। सत्तो ये दोनों भाई बहन मुझे सीधे लगते हैं। मैं इनको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरा तेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं। सच बता, तू इनको धोखा तो नहीं देगा ना? नो मम्मी, कसम धंधे की। सत्तो मैंने तुझे कई बार बोला है कि धंधे की कसम मत खाया कर। जब भी तू धंधे की कसम खाता है वहीं से तू झूठ बोलना शुरू कर देता है। मम्मी तुम अपन पे भरोसा रखो, अपन तो इनकी हेल्प करना चाहता है। वैसे भी इनके पास है क्या जो अपन इनको धोखा देगा? ऐसा बोल। साहब जी आपने तो हमारा हुलिया ही बदल दिया। बस सिर्फ एक ही चीज की कमी रह गई है,
इस हथियार की। अच्छा जी। ओए, ओए घनचक्कर, इसे ऐसे नहीं पकड़ते, समझे? अच्छा जी। अरे छोड़, अरे छोड़ ना, इसे ऐसे पकड़ते, पकड़। अरे बाप रे, अरे कंधे पे रख, अरे कंधे पे रखना। मम्मी, भैया तुम तो बिल्कुल शहरी लगते हो। अरे सत्तो, तुमने हमारे भोला की क्या हालत बना दी? कहीं कुछ गड़बड़ नहीं ना? हाँ? नहीं, मुझे तेरा भरोसा नहीं है, मैं पहले ही बोल देती हूँ। नहीं मम्मी, जहाँ भोला काम करेगा वहाँ इसका यही गेटअप चलेगा, है ना? अच्छा, अच्छा, अच्छा जी। चलो भोला, चलो। अच्छा जी। अच्छा मम्मी। नमस्कार पंडित जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। तबियत तो ठीक है ना? और सब ऊपर वाले की कृपा है। तो दिखाई दे रहा है। कैसे आना हुआ भाई? आजकल एक जजमान की बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, अगर आपके नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो बताइए। है? हाँ। है ये लड़का, मगर पंडित जी हाँ? उसका बाप जो है ना बड़ा लालची है। कोई बात नहीं है, चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा। तो अभी देखता हूँ। आ गए बालन दादा के आदमी। चार पांच दिन से बीमार था, दुकान बंद थी, आज खोला, आज चार पांच दिन के बाद दे दूंगा। बुड्ढो, तेरा हमेशा कुछ ना कुछ नाटक रहता है। चल आज फटाफट हफ्ता दे दे, वरना तेरे बागड़े के टुकड़े टुकड़े करके भंगारे बेच डालूंगा। क्या? अरे कोई जबरदस्ती है क्या? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा बुड्ढे। जगह कैसी लगी? अच्छी है जी, यही तुम्हारा ऑफिस है। अच्छा जी, और यही तुम्हें सुपरविजन करनी है। अच्छा जी। अरे साहब, ये क्या जुल्म जबरदस्ती हो रहा है? इसी जुल्म के खिलाफ हमें आवाज उठानी है, क्योंकि हम यहाँ के जनसेवक हैं। इस इलाके से हम म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। अगर हम यहाँ के गरीब लोगों को गुंडों से नहीं बचाएंगे तो हमें वोट कौन देगा? अच्छा जी, पन आप तो चुपचाप खड़े हैं, उनको बचा दे क्यों नहीं? अरे इसी काम के लिए तो हमने तुम्हें रखा है, ताकि काम के साथ साथ तुम जनता की सेवा भी कर सको। अच्छा जी। पता है तो वही जाती है भीड़ू। अरे ये तो वही देहाती आदमी लगता है जिसको अपन ने शेंडे लगाया था, मगर ये इसका हुलिया। अरे देवा, ये तो साला अमिताभ बच्चन के माफिक फाइट कर रहा है। अरे भैये, कौन सा दूध पीता यार तू, मुझे भी तो पिला दे। शाबाश बेटा, तुमने आज हम लोग इज्जत बचाई। मैं जरा बात करूं। बहुत अच्छा आदमी है। आओ भोला, भोला तुम चलो, हम जरा इनसे बात करके आते हैं। अच्छा जी। अरे वाह, साला मर्द हो तो ऐसा। अब तो आप समझ गए ना दादा कि मैं भोले शंकर को यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। अरे सत्तू बेटा, तेरे ऐसा नाम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। फन दादा, अब खाली जबानी तारीफ करने से क्या होगा फिर? अगर आप लोग चाहते हैं कि ये नया दादा आप लोगों को बालन के गुंडों से बचाता रहे, तो ये नया दादा को कुछ दान दक्षिणा देकर अपने हाथ में रख लो। सत्तू बेटा, हम नए दादा को दान दक्षिणा जरूर देंगे, मगर वो बालन दादा की तरह सताएगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं, कसम धंधे की। ये बहुत रहमदिल दादा है।
अच्छा, जो दुकानदार अपनी मर्जी से जो भी हफ्ता देना चाहे, हाँ, ये भोले शंकर खुशी से ले लेगा। वाह 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 दादा, हाँ, इसने अपुन को, हाँ, मैनेजर रखे ला पैसा वसूल करने के लिए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। दादा, एक बात का ध्यान रखना। बोलो। ये नया दादा से पैसे का लेन देन का बात बिल्कुल मत करना, वरना वो नाराज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सब तो बेटा, अरे मैनेजर साहब सलाम। तुम तो उस दिन मेरे 10 रुपए ठग ले गई थी ना। कौन? मैं तो तुमसे पहले कभी नहीं मिली। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा, अब मैं समझी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? भोला शंकर। वाकई तुम बड़े भोले हो, कहीं इसने तो तुम्हें नहीं ठगा? जी हाँ, लेकिन यह है कौन? ये मेरी जुड़वा बहन मालू है, और ये मैं हूँ शालू। अच्छा जी। लेकिन सुनो तो, ओफो, वाकई बड़ा भोला है। अरे कहाँ गए थे? दूध पीने। पियो पियो सेहत बना। आज तुमने पहले ही दिन इतनी अच्छी तरह से काम किया है कि हम खुश होकर तुम्हें 100 रुपए इनाम देते हैं, ये लो। अच्छा जी। और इसी तरह काम करते रहे तो अगले महीने से तुम्हारी पगार बढ़ा देंगे। पर एक बात का ख्याल रहे, अपनी बहन और मेरी माँ से इस नौकरी के बारे में कभी कुछ मत कहना, समझे? अच्छा जी, चलो। दादा, कौन था वो हीरो जिसने इंडिया बालन जैसा खतरनाक सांप का बिल में हाथ डाला? दादा, हमारा दुश्मन आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। उल्लू के पट्टे, आइंदा अगर किसी से मार खाना तो उसका नाम भी पूछना। चलो, अभी कितना रोकड़ा लाया? रखो जाए। रोकड़ा तो हमने वसूल कर लिया था, पर वो भी मारपीट में हाथ से चला गया दादा। तो तुम लोग अपना मैयत लेके इधर क्या करने को आया है? अक्का शहर में उस दादा को ढूंढो, एंड बालन उसका दादागिरी एक झटका में निकाल देगा। पापा, पापा। ये किस बात के पैसे हैं? जमशेद, ये तेरे पिछले कर्जे की रकम है। अपुन को अपने सर से टेंशन हटाने को मांगता है। बहुत अच्छे, तेरी टेंशन हट जाएगी और मेरी पेंशन चालू हो जाएगी। वो मैडम मुझे काम से निकाल देगी यार। अरे उसको पता चलेगा तब ना, थासा। ठीक है बाप। जमशेद, अपुन तुमको मना किया था ना कि सत्तो साहब से कोई हिसाब किताब नहीं लेने का, फिर तुमको हिम्मत कैसे हुई इनसे पैसे लेने की? आई डोंट लाइक इट डार्लिंग। क्या तुम एलमी को अपना डार्लिंग नहीं समझता, जो घड़ी घड़ी पैसों को बीच में लाता है? एलमी, अपुन तुमसे कुछ बोलने को मांगता है। अपुन को पता है तुम क्या बोलेगा। तुम बोलेगा, एलमी डार्लिंग, आई लव यू। एलमी, अपुन तुमसे मैरिज नहीं बना सकता। ये तुम क्या बोलता है? हाँ एलमी, अपुन दूसरे छोकरी से प्यार करता है। What? नहीं सत्तो, नहीं, तुम किसी और का लाइफ पार्टनर नहीं बन सकता। You can't leave me. You can't leave me. नहीं, नहीं एलमी, नहीं। डार्लिंग, लगता है तुम डे ड्रीमिंग कर रहा था। नहीं सत्तो, तुम एलमी को सच्चाई कभी मत बताना, वरना वो जीते जी मर जाएगी। ला 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 ला। शालू, अरे शालू, तुम कहाँ थी? तुम, मैं तुम्हें कितने दिन से तलाश कर रहा हूँ। क्यों, क्या फिर मेरे पैसे उड़ाने का है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारा पहले का कर्ज भी लौटाना है ना। कहीं और हाथ साफ किया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल अपना हफ्ता चालू हो गया ना। हफ्ता? अच्छा, तो अपुन को नोट देकर वोट मांगने वाला चक्कर चालू करने का है क्या? शालू,
एक बार मेरे चक्कर में आके देखो, कसम धंधे की सारे चक्कर भूल जाओगी। क्या ए बिड़ू, अपन तुम्हारे चक्कर में आने वाले नहीं, समझे? तेरी इन्हीं अदाओं ने तो मुझे दीवाना बना दिया है, कसम धंधे की।
तुम लोग हम सबका कोपड़ी तोड़ डालेगा। एंड बालन के आदमियों पे किसने हाथ उठाया? बोलो बोलो ए, बोलो कौन एंड बालन के आदमियों पे हाथ उठाया? बोलो ए! तो तुम लोग नहीं बताएगा एंड बालन का आदमी को किसने मारा है? तुम लोग नहीं बताएगा तो हम इस बच्चा का कोपड़ी उड़ा देगा। गेंडा एंड बालन आज तुम्हारा रगड़ा पैटिस बनाएगा, देखेगा। अच्छा जो पुलिस आ गया एंड बालन के हाथ से तुम बच गया। छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। बहुत जल्दी उस दादा का पता चल जाएगा, और पता चल गया तो बुरी खबर लाया या अच्छी? बहुत अच्छी खबर लाया हूँ बालन दादा। जल्दी बोल जल्दी। हमारे दुश्मन के घर का पता मालूम हो गया है बालन दादा। एंड बालन उसका कोपड़ी को नारियल की तरह काट देगा, काट देगा। हम एंड बालन एंड बोला आज हम तुमको पिलाएगा कोला। उस दिन तो तुम हमारा हाथ से बच गया था, लेकिन इंडे बालन आज तुमको नहीं छोड़ेगा। अब भी तेरा स्टोरी फिनिश। ये देख, तेरा मुर्दा रखने के लिए हम चारपाई लाया, और कंधा देने के लिए चार आदमी भी साथ लाया। बालन, चारपाई भी तेरी, चार आदमी भी तेरे, मगर इस पे मुर्दा मेरा नहीं तेरा जाएगा। बात तू सारी दादागिरी भूल जाएगा। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। भैया भैया पटाने की कोशिश कर रहा हूं यार। हाँ, अरे शालू तुम यहां कहां घूम रही हो? कोई बात नहीं, घूमो, मगर शालू तुम ये क्यों नहीं समझती हो, ये सत्तो तुमसे कितना प्यार करता है। अबे शाणे, आप उनसे होशियारी नहीं। तुमने क्या मुझे स्कूल में एबीसीडी पढ़ने वाली बच्ची समझ रखा है क्या? ये
A B
HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ हम बोलेगा, हम बोलेगा, 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 हम बोलेगा, सोते जाते, सोते जाते, उठते बैठते, हंसते गाते, एक तेरा नाम हम बोलेगा। कहाँ जा रही हो लाजो? माँ जी, मैंने मन्नत मांगी थी कि जब भोला भैया अच्छे हो जाएंगे तो मैं मंदिर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, हो आओ। अच्छा माँ जी, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। रुको। अरे यार क्या खूबसूरत लड़की है। अरे ये तो भोला की बहन लगती है। भोला को तो बालम दादा ने बिस्तर पर लिटा दिया है। आज अपन इस लड़की को, चलो छोड़ दे इस लड़की को। अरे 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 छोड़ दे इस लड़की को बेशर्म। बस बस यही कहोगी ना कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की, फिर मैं कहूंगा ये तो मेरा फर्ज था। चलो आओ। जो कमल अकेली लड़की सड़क पर अंगूठा दिखा रही है, थम्स अप मांग रही है, नहीं लिफ्ट मांग रही है। अरे ये तो वही लड़की है पीतल के बिस्किट वाली, अंगूठा दिखा रही है। ठहर जा, हाथ दिखाता हूँ तुझको। अरे ए चोरनी, मोरनी बनकर यहाँ पर बाग में नाच दिखा रही है। उस दिन मुझको पीतल का बिस्किट थमाकर चली गई। ला मेरे 10,000 रुपए। सेठ जी आप किससे बात कर रहे हैं? अच्छा बहरी भी बन गई है, तुझसे बात कर रहा हूँ। मुझसे? मैं तो आपको नहीं पहचानती। अच्छा अंधी भी बन गई? अरे पुलिस स्टेशन में ले जाऊंगा, इतनी धुलाई करेंगे तेरी कि तेरी बोलती बंद हो जाएगी, गूंगी हो जाएगी। ओ समझी। क्या समझी? कहीं इसने तो आपको नहीं लूटा? अरे ये तो तेरा फोटो है। ये है मेरी बहन मालू, एक नंबर की चोर, और मेरा नाम है शालू, मैं शराफत के पोस्ट ऑफिस में क्लर्क हूँ। मालू और शालू, यानी के डबल रोल, सीता और गीता, मालू और शालू, हो सकता है? हो सकता है नहीं सेठ जी, हो रहा है। मेरी बहन हेरा फेरी करती है और बदनामी मुझे मिलती है। देखिए क्या आप मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे सकते हैं? क्यों नहीं, यू आर वेरी वेलकम। कहाँ तक जाएंगी आप? जहाँ तक आप ले जाएंगे। आई पकड़ में, जहाँ तक मैं ले जाऊँ? यू प्लीज कम 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 फ्रॉम दैट साइड, कम कम। तुम हम एक गाड़ी में बंद हो और गाड़ी रुको रुको, गाड़ी रुको। क्या हुआ? ए सेठ जल्दी से रुपया निकालो, वरना अभी मैं चिल्ला कर पब्लिक से कहूंगी कि तुम मुझे छेड़ रहे थे। मेरे धंधे की खोटी मत करो, जल्दी से हरे भरे नोट निकालो। नोट नहीं दूंगा। अच्छा बचाओ बचाओ।
ये गुंडा मुझे छेड़ रहा है, बचाओ। अरे मेरी बीवी, मेरी बीवी, देता हूँ, देता हूँ, इतना ही है, इतना ही है, चलेगा, नहीं है। बाय बाय सेठ जी, बाय बाय। जाते जाते मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि शालू भी मैं हूँ और मालू भी, टाटा। अरे अरे शालू भी तू ही है और मालू भी तू ही है और चालू भी तू ही है। अरे सेठ छोगामल, उस दिन तो पीतल का बिस्किट भी दे गई थी, आज कुछ भी नहीं। तो कब लगा रहे हो मुझे नौकरी पर? अच्छा जी, पर आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? वाकई तुम बड़े भोले हो भोला शंकर, किसने रखा था तुम्हारा नाम? मेरी माँ ने, बहुत प्यार करती थी मुझसे। तो क्या कोई और भी तुमसे प्यार कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता। वैसे शालू जी, मैं जब जब आपको देखता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी को तो प्यार कहते हैं। अच्छा जी, हाय मैं मर जाऊं इस अच्छे शालू जी पर। देखो देखो कोई देख। आपने अपने इस आशिक की किस्मत का क्या फैसला किया मेम साहब? पांव की धूल माथे का चंदन कभी नहीं बन सकती प्रीतम। लेकिन लाजो, चंदन को भी माथे तक पहुंचने के लिए इसी धूल का सहारा लेना पड़ता है। मैं अमेरी गरीबी में कोई फर्क महसूस नहीं करता। मैंने तुमसे शादी करने का पक्का इरादा कर लिया है। सच प्रीतम? हाँ। क्या देख रहे हो भैया, क्या अपनी बहन को पहली बार देख रहे हो? एक बात बताओ लाजो, कोई पैसे वाला आदमी फटे हुए जूते पहनेगा? ऐसा क्यों पूछ रहे हो भैया, कभी नहीं पहनेगा। तो वो मोटर कार वाला लड़का जिसके साथ तू घूम रही थी, वो तुझसे शादी करेगा? मेरी प्यारी बहना, हम गरीब लोग भी फटे हुए जूते की तरह होते हैं, जिन्हें वो अमीर लोग कभी नहीं पहनते। तू उस लड़के की बातों पर कभी भरोसा मत करना, वरना वो एक दिन तुझे बीच मंजार में छोड़कर चला जाएगा, और फिर तू और तेरा ये भाई किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसा ना कहो भैया, प्रीतम को मैंने अच्छी तरह परख लिया है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। हो सकता है वो लड़का तुझे धोखा ना दे, लेकिन उसके माँ बाप वो इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। इसलिए बहन मेरा कहना मान, इस रास्ते पर आगे मत बढ़। बहना, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुझे कुछ हो गया ना, तो तेरा ये भाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अरे भोला, अरे तू कैसा भाई है, अपना बहन को रुलाता है? माँ जी, आज इन थोड़े से आंसुओं को बह जाने दो। ये आंसू उस घाव के सामने कुछ भी नहीं, जो प्यार में नाकाम होने के बाद मेरी बहन को मिलेंगे। अरे माँ, ये भोला शंकर ड्रामा कंपनी में काम करते करते ज्यादा ही डायलॉग बोलने लग गया है। भोला शंकर, ये जरूरी तो नहीं कि वो लड़का हमारी बहन को जरूर धोखा देगा। चल ऐसा करते हैं कि हम दोनों चलकर लड़के के माँ बाप से बात कर लेते हैं। हाँ। क्यों माँ? हाँ बिल्कुल सही। ये आप क्या कह रहे हैं साहब जी? हम एकदम सही कह रहे हैं, कसम धंधे की एकदम सही कह रहे हैं। आज तो फिर आ गए कोई नई चाल चलने। भोला की बहन लाजो और आपके बेटे प्रीतम का रिश्ता जोड़ने आए हैं। ए मावाले, मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश मत कर, प्रीतम मेरा बेटा है, मेरा, समझे? और शेर कभी घास नहीं खाता, ध्यान में रखना। ए नेता, अपनी जबान को लगाम दो। अगर तुम उस लड़के के बाप न होते जो मेरी बहन से प्यार करता है, तो मैं तुम्हें ऐसा जवाब देता जो तुम मरते दम तक नहीं भूलते। नेताजी, अपन यहाँ ना तो गालियां सुनने आया और ना गालियां देने, अपन इधर आया तुम्हारे बेटे से अपनी बहन का रिश्ता तय करने के लिए। बोलो तुम्हारा क्या फैसला है? काहे का फैसला? मुझे विश्वास है मेरा लड़का ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम दोनों खामखा उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हो। पूछ लो अपने बेटे से नेताजी। प्रीतम, इन दोनों का कहना है कि इनकी बहन के साथ तुम्हारा कोई चक्कर है। कह दो इन्हें कि इनके लगाए हुए इल्जाम सरासर झूठ है। ये सच है डैडी, मैं और राजू एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखा नेताजी, प्यार करने वाले अमीरी गरीबी की लक्ष्मण रेखा को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच गए। अब आप चुपचाप होकर इन दोनों का रिश्ता जोड़ दीजिए। तुम रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो, इनका रिश्ता जोड़ने के बजाय मैं अपने बेटे की जिंदगी के वो पन्ने फाड़ दूंगा
जिस पर इसने मोहब्बत की कहानी लिखी है। मेरा और लाजो का जोड़ा तो भगवान ने बनाया डैडी, किसी इंसान की क्या हस्ती जो हम दोनों को अलग कर सके। नेताजी, मैं आपसे अपनी बहन के रिश्ते की भीख मांगता हूँ, उसे स्वीकार कर लीजिए। मैं वादा करता हूँ आपके चरण धो धोकर पीऊंगा जीवन भर। चल भला उठ, उठ उठ। जो पत्थर पिघलना नहीं जानते उनसे सर टकराने से क्या फायदा। चल बज गए माँ जी, अभी तक भोला भैया और सत्तू भैया वापस नहीं आए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ओफो, तुम आजकल का मॉडर्न लड़का लड़की जब मोहब्बत में फंसता है तब बिल्कुल नहीं डरता, और जब मैरिज का बात आता है तो चूहे के माफिक डर के भाग जाता है। अच्छा अच्छा, डरो मत, मदर मेरी सब कुछ अच्छा करेगा। लो बहना, तुम्हारे मन का मुराद पूरी हो गया, दोनों भैया आ गए। हम समझ गए, आप छोकरे का बाप इस रिश्ते के लिए तैयार हुआ नहीं ना। हाँ माँ जी, उसने तो अपनी दौलत पर बहुत घमंड है। तू आंसू मत बहा लाजो, अपन तेरे लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ के लाएगा। सत्तू भैया, मैं उस देश की लड़की हूँ जो अपने मन मंदिर में सिर्फ एक देवता को बिठाती है, और मरते दम तक उस देवता के स्थान पर और कोई देवता नहीं बैठता। लाजो मेरी बहना, तेरा ये भाई भोला तेरे विचारों की इज्जत करता है रे। देखो लाजो, अगर तुम इसी तरह रोती रही तो तुम्हारा भाई और दुखी हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगी और न ही प्रीतम से मिलूंगी। ये तुम क्या कह रही हो लाजो? मैं ठीक कह रही हूँ माँ जी, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी जिसकी शहनाइयों में मेरे भाइयों की बेइज्जती के सुर हो। पंडित मोटू राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी कपुत्री यानी के सुपुत्री का रिश्ता तय कर दिया। अरे सुनो तो, क्या कर दिया? अरे रिश्ता तय कर दिया, चुप कर। हाँ, पर एक समस्या है। क्या? उनको खुश करने के लिए आपको अपनी दौलत का रोप डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दौलत का रोप डालना पड़ेगा, डालने के लिए और क्या रह गया है। चुप रहो। बात दरअसल ये है, वो लोग लालची किस्म के आदमी है। अरे लालची किस्म के लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, लालची किस्म के ही तो जल्दी जाल में फंसते हैं। बस जरा उनसे मिलने का टाइम तय करा दो आप। अरे क्या करा दो? टाइम तय करा दो। अरे हट। चंडी रामानी और उसका बेटा कल 10 बजे आपके घर आ रहे हैं। अच्छा, क्या खा रहे हैं? जब देखो खाने की बात करेगी। अरे लड़के वाले घर आ रहे हैं। अरे हाँ बाबा, सुन लिया। मेरी दक्षिणा दे दो तो मैं चलूं। दक्षिणा? दक्षिणा तो आपके घर पर पहुंच जाएगी, मगर आप तो घर पर पहुंचो। अरे बहुत भारी है। अरे उठा, आ जा, उठ गया। जाइए 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 जाइए। अरे दादी, ये कौन है? मेरी बेटी, तुम्हारे लिए दूल्हा। मेरे लिए दूल्हा? थोड़ा मोटा है लेकिन चलेगा। अरे, मेरे लिए दूल्हा? अरे ये नहीं है। अरे दादी, ये घंटी बजी, घंटी बजी। अरे बेबी क्या बजे? घंटी। ओहो, मैं क्या बहनी हूँ? टेलीफोन तो मेरा ही है। हेलो, छोगा मलहियर। अरे वरी निहाल चंद। अरे यार जीते रहो, तुम्हारी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है इनकम टैक्स ऑफिसर। सुनाओ क्या हो रहा है। वरी क्या बोल रहे हो? 2 इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे घर पर आ रहे हैं। मगर यार निहाल चंद, मैं तो अपना इनकम टैक्स टाइम पर भरता हूँ यार। म्युनिसिपैलिटी टैक्स, वेल्थ टैक्स, हेल्थ टैक्स, डेथ टैक्स भी यार मरने से पहले भर रहा हूँ, यहाँ क्यों आ रहे हैं? अच्छा, सर्वे करने आ रहे हैं। अरे निहाल चंद,
तुम निहाल रहो यार, सर्वे करने आ रहे हैं तो हम सर्वे करा देंगे यार, करा देंगे सर्वे। वेरी गुड, गुड डे, गुड लक, ओके। कल 11 बजे आ रहे हैं, ओके, आई एम रेडी। अच्छा सर, आपको याद है ना कल मिस्टर चोगामल के घर का सर्वे करना है सवेरे 11 बजे? 11 बजे नहीं, 9:30 बजे, 1.5 घंटा पहले। 1.5 घंटा पहले जाने का क्या फायदा सर? फायदा है, आप नहीं समझोगे। हम एक सरप्राइज विजिट देंगे ताकि छोगामल अगर कोई होशियारी कर रहा हो तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ सके। ओके सर। ओए, ओए, आ, अरे वरी वो आए घर में हमारे, अरे वरी झूले लाल की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने सजे धजे घर को देखते हैं। मगर आप तो 10 बजे आने वाले थे, 9:30 बजे आ गए। पुराने लोग हैं, पंडित से मुहूर्त निकलवाया होगा। वेरी गुड लुकिंग बॉय चंडी रामानी जी। नमस्ते। हंसते हंसते आपने मेरा नाम गलत कह दिया, चंडी रामानी नहीं, मेरा नाम है चंडी राम। अरे वरी हम क्या बिगाड़ेंगे ऐसे पवित्र नामों को, चंडी जी अपनी जगह चंडी जी हैं, राम जी अपनी जगह राम जी हैं। मगर इनका क्या नाम है जी? है जी, इनका नाम स्वतंत्र पॉल। नमस्ते जी। व्हाट ए ब्यूटीफुल नेम, स्वतंत्र, डेमोक्रेटिक, आजादी का दिन। अरे वरी मुझको तो याद आ गया वो दिन जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन ये पैदा हुए थे। इज वेरी नाइस, मगर उस दिन अगर ये पैदा हुए होंगे तो ही मस्ट बी वेरी ओल्ड मैन, He's very young. उस दिन ये पैदा नहीं हो सकते, ये किसी कैद की पैदाइश मालूम होते हैं। Oh, I'm sorry, माफ करना। आपके घर की सजावट देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी राजा का घर हो। अजी साहब, राजा तो सिर्फ नाम बाकी रह गया है। अरे साहब, राजा लोग तो चले गए, हमें उनकी बची कुची निशानियाँ। ये देखिए असली मोती, ये शेरवानी में जो तार है ना, सोने के असली है, मगर इनको देखने के लिए आप जैसे चश्मे के पीछे छुपी हुई आंखों की जरूरत है, जो हमको घूर कर देख रही हैं और समझ रही हैं कि ये असली सोने के तार हैं, है ना? जनक 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 मोरी बा। ये है मेरी डांसिंग डॉल बेबा। क्या तो बोले? आई एम सॉरी, मेरी बीवी। ये उनको नमस्ते कर रही है और वो उनको नमस्ते कर रहे हैं। यू नो दिस इज नॉट चांदी, दिस इज नॉट चांदी, दिस इज प्लैटिनम, व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड वर्थ ऑफ 25 लाख रुपीज। गोल्ड इज वेरी ओल्ड, यू नो येलो होता है, उसको देखकर आंखों में पीलिया हो जाता है, और पीलिए का इलाज इज वेरी कॉस्टली नाउ इट इज, डॉक्टर इज वेरी कॉस्टली। बैठो डार्लिंग, इधर बैठो। आई एम सॉरी, इधर नहीं, इधर बैठो। 2-3 पहले टूट चुकी है, शी इज वेरी लाइट वेटेड, यू नो, कम वजन, बट ए ब्यूटीफुल लाफ्टर। देखा हम लोगों की अमीरी देखकर दोनों के तोते उड़ गए हाथों के। अरे क्या उड़ गए? रख ना, रख। अरे जल्दी रखो, रखो। ये आपके कौन है? ये हमारा नौकर है। यस नौकर, आपको हैरान की हो रही है, अरे ये इम्पोर्टेंट कपड़े पहने हुए हैं और कोई लग रहा है, गेट आउट फ्रॉम हियर, नौकर है। और ये हमारा खानदानी पापर है, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी पापर, एंटीक पीस है, 20 इयर्स पहले बनाया था, अभी तक चल रहा है। ये यही खाती है और आप भी? हम लोग यही खाते हैं, इसी को पीते हैं, इसी के अंदर सोते हैं। छोगामल जी, यस, हर साल अपने दौलत का कितना इनकम टैक्स भरते हैं? यही कुछ 10 लाख रुपए और शायद ज्यादा भी हो, याद नहीं। अब किस किस को याद रखें कि दे भूल जाएं। अच्छा, इतना पैसा है कि रखने को जगह नहीं है, और गिनती क्यों करें, अंधे हो जाएं, हिसाब किताब करें, बेकार की बातें हैं। अरे खजाने की बेटी है, शी वेरी अच्छी, छींक दिया। अब हमें इजाजत दीजिए। क्या मांग रहा है? जाने की इजाजत मांग रहा है, तुम चुप रहो। जाने से पहले अपना फैसला तो सुनाते जाइए। हम अपना फैसला एक लेटर में लिखकर भेज देंगे। ओहो, लेटर में? समझ गया, सबके सामने अपना फैसला सुनाने से शर्मा रहे हैं और जा रहे हैं। अरे चुप किया बेटा। अरे अरे क्या झुकझुक जियो, अरे 11:15 बज गए, इनकम टैक्स ऑफिसर आने वाले हैं। इस छोगामल ने काफी माल जमा कर रखा है, इनकम टैक्स नहीं देता, इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। यस सर। चलो। बड़ी साई जरा सुनिए। अरे बाबा, छोगामल इधर रहता है क्या? इसी बिल्डिंग में रहता है। शुक्रिया। सुनिए भाई दी, आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? बड़ी, हम अपने इस नलायक पुटड़ा के लिए
उसकी पुतली देखने को जाता है नी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्लीज। अरे चल, नलायक का पुतला हर वक्त कंगी करता है। स्वतंत्र बाल, कुछ समझे? नो सर। छोगामल ने मुझे बाप और तुम्हें बेटा समझा और अनजाने में अपनी सारी दौलत बता गया और आ गया हमारे जाल में। हैं? पुतला जी, हम किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गया? ये छोगा मल का घर है या किसी भिखारी मल का घर? तो छोगा मल ही का है, मगर अब हम भिखारी मल हो गए हैं। छोगा मल आपका स्वागत करता है। ओनली वन पॉपर लेफ्ट। बड़ी साई, मैसेज तो मिला था नहीं कि हम लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं? अरे तो हमने भी तुम्हारे स्वागत में कौन सी कमी बाकी छोड़ रखी है? छोगा मल जी, ये उजड़ा उजड़ा घर आपका है? और नहीं तो क्या तुम्हारे बाप का है? माफ करना भाई, गुर्बत में हमारे कपड़े तो फटीजर थे ही, हमारी जबान भी फटीजर हो गई है। गंदे गंदे जुमले मुंह से निकल रहे हैं। अरे मकान का तो बस खाली नाम है, न काम है न धाम है। नीचे गुर्बत का जाल है और ऊपर झूले लाल है। ले देकर बस ये एक खानदानी पापर रह गया है, इसको सूंघ सूंघ कर जी रहे हैं और खून के आंसू पी रहे हैं। डैडी डैडी उधर देखो, थोड़ी भी कमजोर जवानी कौन है? लगता है छोगामल जी की बेटी है और साथ में ये बर्बाद जवानी। ये तुम अपनी कार्रवाई पूरी करो और अपना ये नैन मटक का छोड़ो। अरे हम गिर गए हैं, मगर इतने नहीं गिर गए हैं कि तुम अपनी घटिया आंखों से हमारी इज्जत और आबरू को तोलो और उनके लिए ऐसे गंदे गंदे शब्द बोलो। अरे हमने अभी ये धंधा चालू नहीं किया है। अरे हम लोग खानदानी और शरीफ लोग हैं। अरे हम भी तो इज्जतदार आदमी है। अरे बैठने को तो पूछो। बैठने की क्या जरूरत है? आप जिस कार्रवाई के लिए आए हैं वो कार्रवाई आप खरे खरे भी कर सकते हैं। अरे छोगा मल, ये तो बता, तेरा कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार कैसा चल रहा है? अरे कार बिक गई, खाली बारी बार है। ये वजन न जाने किस तरह अपने कंधों पर लेकर खींच रहा हूँ इन छकरों को। अरे ऊपर से लेकर नीचे तक कर्जों में डूब गया हूँ। इधर हलक तक पानी आ गया है। हलक में से एक ही आवाज आती है, उधार उधार उधार। अरे बाबा, अगर आपको यकीन नहीं आता तो हमारे नौकर को बुला के पूछ लो, 6 महीने से पगार नहीं। अरे फटता क्यों है? अरे फटे को क्या फाड़ेंगे, फट गए पूरे हम। नौकर बस खड़ा है पगार लेने के लिए, मुंडी हिला रहा है। हम तो भिखारी है भिखारी, ये देखो। अरे भिखारी है तो भिड़ी इधर क्या कर रहा है? दादर के पुल पर जाकर भीख मांग। और मेरा बेटा कोई ऐड़ा गैड़ा नद्दू खड़ा नहीं जो तेरी भिखारन बेटी से शादी करे। आपके बेटे से हमारी बेटी का रिश्ता? आई मीन कि आप लोग तो इनकम टैक्स ऑफिसर है ना? बड़ी साई, हम तुमको इनकम टैक्स ऑफिसर दिखाई देते हैं? बड़ी हमें तो इनकम से मतलब है, किधर से भी हो। अरे हमारी 7 पीढ़ी में कभी किसी ने इनकम टैक्स नहीं दिया। मेरा नाम है चंडी रमानी। अरे ये कहीं वही चंदी रमानी तो नहीं जिसका रिश्ता हमारी बेटी से होने वाला था? मेरे मतलब कि जिसके बेटे से हमारी बेटी का रिश्ता होने वाला था। अरे समझी जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी पुतली को अपना लीजिए, दुनिया का एक ही पीस है। अरे हम भिखारियों से लड़की की भीख नहीं लेते। चल पुतला। अरे पकड़ जी, आप आप और आपकी बेटी जॉगिंग कर रहे हैं? नहीं, जॉगिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अरे टट्टी, मेरी शादी इसी से करा दो ना। इसी से? सड़क के ऊपर? अरे हाँ, कोर्ट के अंदर सिविल मैरिज होता है, सड़क के ऊपर सड़क मैरिज क्यों नहीं हो सकती है? ये करा देते हैं, पीछा छूट जाएगा, दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। हो सकती है, बिल्कुल बरात नहीं उठेगी। हो सकता है। बोले शंकर, तुम घर चलो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा जी। अरे डैडी, उसको रोको ना, वो जा रहा है। रुक जा आदमी, सड़क के। अरे घबराओ नहीं छोगा मल जी,
दरअसल मैं शंकर को लेकर आपके पास ही आ रहा था। मैंने उसे पूरी बात कर ली है। सच? हाँ, कसम धंधे की। मगर एक प्रॉब्लम है चोगामल जी। प्रॉब्लम अर्थात संकट? हाँ, वो क्या है कि भोला शंकर को 25,000 रुपए चाहिए धंधा शुरू करने के लिए। हाँ। फिर वो शादी कर सकता है। 25,000 रुपया? क्या फर्क पड़ता है डैडी, दे दो ना उसको 25,000। अरे चुप। अरे 25,000? अरे ऐसी आ गया 25,000, पापड़ बन गया कमाते कमाते। कहीं तू मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? आपको बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है छोगामल जी, मैं तो बना बनाया हूँ। चल अच्छा, दिए 25,000 रुपए, फिराकर चेक ले जाना। पर शर्त है छोगामल जी। वो क्या है? शादी 40 दिन के पहले नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक महात्मा ने कहा है अगर शादी 40 दिन के पहले हो गई तो लड़की का बाप मर जाएगा। अरे तो मर जाने दे। लड़की का बाप मर जाएगा? लड़की का बाप तो मैं हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है डैडी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी करा दो मेरी शादी। तो क्या फर्क पड़ता है, जल्दी करा दो मेरी शादी, भोरे की सवारी चाहिए। अच्छा शुक्र जी, मैं चलता हूँ। मुबारक हो। मुबारक हो। बाय बाय। कंधा गया। अरे दूसरा भी क्या। अरे अब तो दक्षिणा दे दीजिए छोगामल जी। अरे किस बात की दक्षिणा? दक्षिणा दे दे दक्षिणा। दक्षिणा बेटी, इसको मत बख्शना, मोटू को मत बख्शना। ले दक्षिणा, ले दक्षिणा, ले दक्षिणा। अरे मुझको मत दक्षिणा दे। हेलो हेलो, वाह क्या जोड़ी है, खूब जमेगी। सत्तू भैया, शंकर भैया, प्रीतम का शादी आज तय हो गया है, नेता कहीं और कर रहा है, आज तो होकर मंगनी है मंगनी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू घबरा मत, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अरे हम सब मिलकर उस नेता की छुट्टी कर देंगे। हाँ, हम उसकी बोलती बंद कर देंगे। फैसला करो वरना हम खुद ही फैसला करेंगे, हमको हमारा हक दो वरना हम अपना हक छीन लेंगे। सीधे जेल जाओगे, हमारी बात न मानोगे तो जूता लात खाओगे। जल्दी से फैसला करो वरना हम खुद ही फैसला करेंगे। हमको हमारा हक दो वरना
नशे में चूर है ये दौलत वाले आज मगर जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी खेलेंगे तुम्हारी जान ले लेंगे या अपनी जान दे देंगे जो आहे हम गरीबों के तड़पते दिल से निकलेंगे तुम्हारे महल चौबारे जला कर राख कर देंगे सर से कफन बांध कर देखो आई गरीबों की टोली हम सच कहेंगे हम सच कहेंगे हम सच कहेंगे हम सच कहेंगे जान हमारी ले ले चाहे ये रावण जान हमारी ले ले चाहे ये रावण मिलके रहेंगे मिलके रहेंगे मिलके रहेंगे मिलके रहेंगे महलों का दुल्हा झोपड़ पट्टी की दुल्हन महलों का दुल्हा बालन मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है ये हथियार लेके यहाँ मत आया करो इसी का दम पे तो तुम्हारा कुर्सी काया मैंने था नहीं तो जनता तुमको बड़ा बाजार में पत्थर मारता और तुम भी ये मत भूलो बालन अगर मैंने कानून के घोड़े को लगाम न दी होती तो तुम जैसे खतरनाक मुजरिम को वो अपने पैरों तले रौंद डालता ए नेता भूल गया पिछला इलेक्शन में ये कोयता ही तुम्हारा पार्टी का निशान था और एंड बालन ने वोट देने वाला पब्लिक का गर्दन पे ये कोयता रख के उनको ये निशान याद दिलाया था चलो मान गए बालन तुम्हारी बात तुम भी मेरे बाप हो और मैं भी तुम्हारा बाप हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साये में ही जीवित रह सकते हैं नहीं तो अब तुमको समझ में आया हमारा बिना तुम कितना अधूरा है नेता वो जो तुम अपने बेटे का मैरिज हमारा दुश्मन शंकर की बहन से फिक्स किया वो फैसला तुमको बदलना होगा अरे मेहमान फटाफट दारू पी ले इधर लफड़ा होने वाला है लेकिन क्यों होने वाला है अरे क्यों नहीं पूछना इधर लफड़ा होने वाला है लेकिन कब होने वाला है हाँ ये बात हुई ना जब वो लोग अपन से बेवड़े का दारू का पैसा मांगेगा ना अपने के पास पैसा है नहीं तो लफड़ा होएगा ही होएगा चुप बैठो चुप बैठो चुप बैठो चुप बैठो ये दारू का अड्डा है तुम्हारे बाप का घर नहीं चुप बैठो नहीं तो मारूंगा बोलो साहब कौन सा माल लाऊं अरे 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ अरे ऐसी पिला दे कौन सी भी पिला दे आज मेरी औरत ने मुझे मारा है बहुत बुरा हुआ और दारू से मारा है आज ऐसी दारू पिला दे मुझे कि मैं किसे डरू नहीं खास करके उससे नहीं डरू और मैं दिखा दो मैं डरता नहीं हूँ मैं डरता नहीं हूँ ये पियो ये पीने से मर शेर बन जाता है पियो खुल के पियो अरे गिलास दे हाँ लो ये बोतल खाली होने के बाद अपन अलबी को सब कुछ बता देगा देखा मुझे झाड़ू मारने का अंजाम देखा मैं चला ही बन गया अब मैं तुझे नहीं डरूंगा
बिल्कुल नहीं डरूंगा। अपन कौन? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं सज्जीगान कागोड़कर जो मैं है ना, मैं दुकान नहीं बैल भूरेगा। एक बात करो बेटा, तुम भोला शंकर दादा के रूप में ऐसे पहलवान को पैदा किया है कि बालन दादा की छुट्टी कर दी। अरे समझ लो, अब मैं नहीं डरूंगा, अब मैं नहीं डरूंगा, अब मैं नहीं डरूंगा। इसने मुझे झाड़ू से मारा है, क्या ऐसा हो मैं आता है तो है। ए जमशेद भाई, क्या बात है भाई? एक दारू की बोतल। नहीं नहीं नहीं, मैडम का हुक्म है तुमको जासी दारू नहीं देने का। तू बाटले वाला होकर मेरे को बाटले नहीं देगा? मैडम से बोलकर तेरे को नौकरी से छुट्टी दिलवा दूंगा। ऐसा मत करना, अभी लाता हूँ। लो ढके लो। जमशेद, तुमने साहब को दूसरा बोतल काहे को दिया? अरे दूसरी नहीं देगा तो साहब डांटेगा, दे दिया तो तुम डांटता है, क्या मुसीबत है यार। सत्तू डाली, तुम इतना जासी दारू काहे को पीता है? आज अपन ने जान पूछ कर जासी दारू पिया। मगर क्यों? एक सच्चाई जो अपन बिना पिए नहीं बता सकता है, आज पीकर बताना चाहता है। अपन तुमको अच्छा फ्रेंड तो समझता है, लेकिन तुमसे लव नहीं करता। अपन लव करता है शालू नाम का एक लड़की से। देखा जास्ती पीने का अंजाम, अपन का डार्लिंग भी जास्ती भंगस करता है। हाँ अरे, अपन एक दूसरे का डार्लिंग है, पन बोलते हैं दूसरा छोकरी से लव करता है, एकदम नशे में डूब गया। हो सकता है अलमी अपन दारू के नशे में डूब गया हो, मगर ये लेटर अपन ने एकदम होश हवास में लिखा है। मेरे जाने के बाद ये लेटर जरूर पढ़ लेना। I'm sorry एलमी। डियर एलमी, अपन तुमको एक डार्लिंग दोस्त समझता है, मगर अपन तुमसे नहीं शालू से लव करता है, और शादी भी शालू से ही बनाएगा। तुम अपन को माफ कर देना प्लीज। तुम्हारा दोस्त सत्तो। क्या बोला? इंड बालन का दुश्मन बोला शंकर को दादागिरी पे लगाने वाला उस सत्तो, वही सत्तो ना जो मेरा पैर पकड़ के अपना जिंदगी का भीख मांगा। और साले में इतना हिम्मत कहां से आ गया? बालन दादा, सत्तो ने तुम्हारे धंधे पर ही नहीं तुम्हारे दिल पे भी डाका डाला है। एंड बालन का घुमा फिरा के बात पसंद नहीं, सीधा सीधा बोल। दादा, एलमी सत्तो के कांटे में फंसी हुई मछली है, इसीलिए तुम्हारे जाल में नहीं फंसी। वो हमारा धंधा खराब किया, नो प्रॉब्लम, हमारा दिल में टाका डाला तो वो सत्तो कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। क्या करता है मैडम, सत्तो जैसे चालू आदमी के लिए जान देता है अपना, जिसको तुम्हारा तुम्हारी मोहब्बत का कोई परवाह नहीं है। छोड़ दो मुझे जमशेद। नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं मालूम वो साले का आखिरी टाइम आ गया है, तुम्हारा बदला तो बालन दादा लेकर ही दम लेगा। सच्ची बोलता हूँ मैं, अब उसकी जिंदा बचने का कोई चांस नहीं है, अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ मैं। क्या? सच्ची बोलता हूँ। बालन, तुमको पहला भी बोला कभी हमारा रास्ता नहीं काटना, लेकिन तुम साला बिल्ली का माफिक हमारा रास्ता काटा।
हमारा सामने दूसरा दादा लाकर खड़ा किया, हमारा धंधा खराब किया। जिस छोकरी को हम पसंद करता वो तुम्हारा थर्ड क्लास थोबड़ा में मरता। आज हम तुमको तुम्हारा थोबड़ा को खलास कर देगा। नहीं नहीं बलन दादा, अब उनसे मिस्टेक हो गया। आज के बाद अपन तुम्हारा रास्ता कभी नहीं काटेगा। जिस रास्ते से तुम गुजरेगा उसको अपन कभी नहीं देखेगा, कसम धंधे की। अरे बलन दादा, तुम कभी सीधा नहीं होगा। आज हम तुम्हारा पतिया फिनिश कर देगा। रुक जाओ बालन दादा। एंड बालन बोला था यह चौकरी एक दिन हमारा अड्डे में आएगा। आया। वेलकम वेलकम इंगवा। प्लीज बालन, हम तुमसे रिक्वेस्ट करता है, सत्तो को मत मारो प्लीज। इसको छोड़ देगा और तुमको हमारा एक बात मानना पड़ेगा। क्या चाहते हो तुम? तुमको इस कुत्ता का जान मांगता और हमको तुम मांगता, बोलो मंजूर? हाँ मंजूर है। आज उस चौकरे की वजह से तू बच गया। चल ओके बंद। नहीं अभी नहीं। कैसा तुम मंजूर किया? नहीं। यू आर वेरी स्मार्ट। अरे यार स्मार्ट होना ही चाहिए। कैसे हो? तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है भोले शंकर? धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है जी। धंधा है अच्छा चलना ही चाहिए। अच्छा भोले शंकर, अब 40 दिन हो चुके हैं, मेरी बेटी से शादी कब कर रहे हो? शादी? हाँ तुम्हारी बेटी से? हाँ सत्तो ने तुमको बताया नहीं? सत्तो ने? हाँ। अरे भाई सत्तो ने 25,000 रुपए मुझसे लिए थे कि तुमको नया धंधा चालू करना है, तो धंधा तुमने चालू कर दिया। और जनाब 40 दिन का गैप इसलिए डाला था कि महागुरु ने कहा था कि 40 दिन के पहले अगर शादी कर ली तो लड़की का बाप मर जाएगा, यानी कि मैं मर जाऊंगा, और मैं मरना चाहता नहीं कभी भी। भोले शंकर ये विरह के 40 दिन मेरी बेटी ने कैसे तरफ तरफ के काटे हैं, बस ये मेरी बेटी ही जानती है या मैं जानता हूँ। अरे बेचारी सूख सूख कर काटा हो गई बबूल का। मैं समझा नहीं। अरे मेरी बेटी से शादी कर लो तब समझ जाओगे। मुझे तैयारी करनी है शादी की यार, पापा अच्छा बनवानी है, बैंड बाजे वाले से मिलना है, बहुत ही महंगा बता रहा है। दादा आप? दादा? दादा आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? आपका हफ्ता तो सत्तो मैनेजर ले ही जाता है। हफ्ता? सत्तो मैनेजर? हाँ दादा, हफ्ता तो हमको देना ही पड़ता है। पहले बालन दादा ले आता था, अब आप ले जाते हैं। अब समझा, आज के बाद आप लोग किसी को हफ्ता नहीं देंगे। लगता है मामला कुछ गड़बड़ है। निकल ले भैया। सत्तो! अब मरेगा। कमीने कुत्ते! तो ये है तेरा असली रूप, बता। पहलवान तुम मजाक के मूड में हो? मजाक तो तूने मेरे साथ किया। मर गए। बोल। अरे मैं सोच रहा हूँ यार। बोल कमीने, बोल। अरे मुक्का लगता है यार। क्यों किया ऐसा मेरे साथ, क्यों किया? बोल कमीने बोल। ये तुमने क्या कर दिया? मुझ जैसे सीधे साधे आदमी को दादा बना दिया। हम गांव वालों को ये शहर के लोग क्या समझते हैं? मिट्टी का खिलौना? चाह चाह पटक दिया। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज के बाद कोई ज्यादती नहीं होगी। आज के बाद तुझे मेहनत करनी होगी, सच्चाई के रास्ते पे चलना होगा। मेरी हड्डियां तोड़ दी इसने। सच्चाई का पाठ पढ़ाता है। अरे मर गए। अरे सुबह से रात होगी पहलवान ये। अरे मुझ जैसे राजा आदमी से कहां काम करवा रहा तू? तेरी पहलवानी का सत्यानाश हो साला। अरे सुन ना, अरे कहां जा रहा है? अबे सुन ना ये पहलवान, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूं। मैं अबे हट। भला बताओ साला सुबह से लेकर रात तक काम करवाता है, मैं ये काम नहीं करूंगा। साला ला उल्लू का बठा ये ना। सत्तो आ गया जी, आ गया आ गया आ गया फिरवान जी। अरे टूटता ही नहीं है। अबे आना फिरवान जी, बस हो गया ना यार। देखना
देख मेरी हालत, ये थक 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 के मेरी पैंट। बहुत हराम की खाली तूने। अब भी अगर सही रास्ते पे नहीं आए ना तो फिर से पिटाई करूंगा। नहीं नहीं फिर नहीं, चलो चलो इडियट। कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ, कहाँ चले गए थे? शालू, वो सत्तो है ना, सत्तो। हाँ? उसने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे नाम से लोगों को ठगता रहा, लेकिन मैंने भी अब उसे ऐसे धंधे पे लगाया कि वो कभी हेरा फेरी नहीं करेगा। सत्तो का तो भला हो जाएगा, लाजो की भी शादी हो जाएगी, मगर मेरा क्या होगा? अच्छा जी, तो तुम्हारा भी भला हो जाएगा। तो फिर कब कर रहे हो मुझसे शादी? मैंने तो बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। अच्छा जी, तो फिर पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं फिर शादी कर लेंगे। मेरे भोला शंकर, बच्चों के लिए पहले शादी करनी पड़ती है। अच्छा जी, वाह बेटा, मुझे काम पे लगाकर मेरे माल से इश्क डरा रहा है। कसम धंधे की, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। देखो बालन, तुम हमारे अच्छे और पुराने दोस्तों में से एक हो, हमारे बेटे की शादी है, ये कार्ड लो और शादी में जरूर आना। लो। ये कार्ड तुमने क्यों फाड़ दिया? जब शादी नहीं होना तो कार्ड का क्या करना? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? एंड बालन बकवास नहीं करता, हमारा प्लान जरा गौर से सुनो नेता। बोला शंकर का बहन अगर तुम्हारा घर में बहू बन के आने का बजाय हमारा अड्डे में आ जाएगा तो कैसा रहेगा? तुम साला उस बेकारन को अपना बहू बनाने से बच जाएगा और हम हमारा दुश्मन को 20 साल तक अपनी उंगली पर नचाएगा। बहुत अच्छा सोच लेते हो तुम, बहुत अच्छा प्लान है तुम्हारा, लेकिन भोले शंकर की बहन को यानी कि लाजो को तुम्हारे अड्डे पे उठाकर कौन लाएगा? ये शुभ काम अपुन करेगा। या शतरंज की कोई नई चाल चलने जा रहे हो? ये शतरंज की चाल नहीं नेताजी, आप लोगों की तरह अपुन को भी भोले शंकर से हिसाब चुकता करने का है। उसने अपुन को बहुत मारा पीटा और अपुन से जबरदस्ती मेहनत मजदूरी करवाया और अपुन से वो लड़की भी छीन लिया जिससे अपुन प्यार करता था। पन उसका बहन को यहां लाने के वास्ते अपुन 1,00,000 रुपए लेगा। वो 1,00,000 रुपया मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे हीरो, छोकरी को इधर नहीं बालन का अड्डा पे लाना, और कोई शहर नहीं। राजू, गजब हो गया। बोला शंकर, क्या हुआ मेरे भाई को? उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और वो सिर्फ तुम्हें याद कर रहा। जल्दी करो, चलो चलो। सत्तू भैया, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये तुमको तुम्हारा ससुराल में लेके आया। वेल डन सत्तू, आज तुमने अपना वादा पूरा किया, अब आप लोग भी अपना वादा पूरा कर दीजिए। दूध, यस यस। हाँ सत्तू, ये लो 1,00,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ सत्तू भैया कि तुम मुझे अब बेचने के लिए लाए हो, और भोला भैया का एक्सीडेंट तो सिर्फ एक बहाना था। अरे रे छोकरी, तुम तो बहुत होशियार निकला, तुम तो हमारा चाल इतनी जल्दी समझ गया। अभी तुम हमारा कब्जे में है, तुम्हारा बोला शंकर भाई एंड बालन से टक्कर लेने को नहीं सकता है। हीरो गो। भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इन वैश्य जानवरों के बीच छोड़कर मत जाओ। भैया, भाई बहन के पवित्र शब्द को गाली मत दो, भाई तो बहन की लाज बचाने के लिए होते हैं, उनकी लाज लुटवाने के लिए नहीं। भैया भैया, अगर आज मेरी यहाँ लाश लुट गई तो इतना याद रखना कि इस दुनिया में फिर कभी कोई बहन किसी रात चलते को अपना मुंह बोला भाई नहीं बनाएगी। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। नादान छोकरी, तुम्हारा भाई तो दलाली का मोटा रकम लेकर चला गया, बिंड बालन वो मोटा रकम तुमसे वसूल करेगा। भैया, भैया।
लाजो कहाँ है? मैं पूछती हूँ लाजो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तू झूठ बोल रहा है। इससे पहले भी लाजो को तूने बोला कि एक्सीडेंट के बारे में झूठ बोला था। फिर तू लाजो को अपने साथ ले गया और लाजो की बजाय अब देख रही नोटों की गड्डिया तेरे पास है। तूने जरूर उस स्वीट लड़की को किसी को बेच दिया है। यू डटी मैन, ब्रदर होकर सिस्टर को तूने बेच डाला। हाँ हाँ, मैंने उसे बेच दिया। तो क्या बुरा किया? क्या वो मेरी सगी बहन लगती थी? बहन आखिर बहन होती है, चाहे वो सगी हो या मुंह बोली हो। अगर तुझे मुंह बोली बहन को बेचते वक्त बुरा नहीं लगा तो मैं भी तेरी मुंह बोली माँ हूं, मुझे भी बेच दे तू। मम्मी, तुमको मालूम नहीं कि भोला ने मेरे साथ क्या क्या सुलूक किया। उसने मेरी हड्डी पसली तोड़ दी, उसने मुझसे भारी भारी काम करवाया और यहां तक कि उसने मेरे पीठ में छुरा फोका। उसने मेरे से मेरी गर्लफ्रेंड शालू को छीन लिया। भोला ने जो भी किया वो तेरी वजह से किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भोला से बदला लेने के लिए तू उसकी सिस्टर को बेचे। देखो माँ, एक बार जो सौदा पटा दिया सो पटा दिया। अब हम लाजो को यहां नहीं ला सकता है। हम ये सारा माल लेकर ये शहर छोड़कर जाता है और किधर जाकर चैन का जिंदगी गुजारेगा? तू यहां से नहीं जाएगा। माँ, मुझे यहां से जाने दो। मदर मैरी की कसम, मैं तुझे यहां से नहीं जाने दूंगी। सत्तो, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। कसूर उस बुरी परवरिश का है जिस परवरिश में तू जैसा बुरा बच्चा पला। जा, निकल जा यहां से। मुझे तेरा चेहरा भी नहीं देखना। निकल जा यहां से, निकल जा, निकल जा, निकल जा। सत्तो भैया, आज जो तुमने किया अच्छा नहीं किया। हम हमेशा तो आप साथ दिए सत्तो भैया। आप तो मखदूम शाह बाबा के चाहने वालों में सो ना। मखदूम शाह बाबा ये बात के लिए तो का कप्पो माफ नहीं करेंगे। सत्तो भैया हमार बात सुन लो। सत्तो भैया रुक जाओ। भैया भैया मुझे छोड़ के मत जाओ। भैया अगर तुम चले गए ना तो दुनिया में कोई भी बहन किसी रात चलते को अपना मुंह बोला भाई नहीं बनाएगी। सत्तो, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। कसूर उस बुरी परवरिश का है जिस परवरिश में तू जैसा बुरा बच्चा पला। जा, निकल जा यहां से। सत्तो भैया, आज जो तुमने किया अच्छा नहीं किया। हम हमेशा तो आप साथ दिए सत्तो भैया। आप तो मखदूम शाह बाबा के चाहने वालों में सो ना। मखदूम शाह बाबा ये बात के लिए तो का कप्पो माफ नहीं करेंगे। जुमेरातों तक चादर जो भी चढ़ाने आए शाह बाबा की बरकत से वो सारी मुरादे पाए। सात जुमेरातों तक चादर जो भी चढ़ाने आए शाह बाबा की बरकत से वो सारी मुरादे।
तेरी रहम दिल की जग में धूम मची है, जिनकी झोली खाली है तूने उनकी झोली भरी है। बाबा तेरी रहम दिल की जग में धूम मची है, जिनकी झोली खाली है तूने उनकी झोली भरी है। बचपन का किस्सा तुम्हें सुनाता हूँ, माँ का दर्जा क्या होता है ये बतलाता हूँ। एक रात को माँ ने उठकर बेटे से पानी मांगा, बाबा जब पानी लाए तो सोया हुआ माँ को पाया। पानी लेकर कब से खड़ा है तू बेटे, आपने जब पानी मांगा था तब से ही बाबा बोले। बेटे की खिदमत को देख कर माँ ने उसको चूम लिया, प्यार से सर पे हाथ रखा और नाम उन्हें मखदूम दिया। दुआएं लेकर ही बेटे का इतना नाम हुआ, कभी न माँ का दुख न दिल, पैगाम यही है बाबा का। कभी न माँ का दुख न दिल, पैगाम यही है बाबा का। कभी न माँ का दुख न दिल, पैगाम यही है बाबा का। दादा, अपन को तुम्हारा ये सौदा मंजूर नहीं, ये लो अपना पैसा वापस। एंड बालन ने जो सौदा एक बार पटा दिया। उंडा लोग पकड़ो इसको, पैसा भी ले लो। अभी सारा का सारा ड्रामा तुम्हारा आंख के सामने होगा। माफ करना बहन, तू घबरा मत, आज मैं तेरी इज्जत लूटने नहीं दूंगा। एक लाख रुपया इधर इधर। अरे अरे बाप
सामने बालन और तुम्हारा स्टोरी फिनिश कर देगा। बालन, वेलकम। लेकिन तुमको तो हमने मार के कब्र तक पहुंचा दिया था, तुम इधर कैसा? सुना है कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, मगर मैं आज उस पूंछ के बल निकाल दूंगा। और आज तुम्हें मार मार कर तुम्हारी खाल में भूसा भर दिया जाएगा। देखो शंकर, हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, तुम अपनी बहन को लेकर इस शहर को छोड़कर चले जाओ। क्या झगड़ा नहीं, बालन ऐसा नहीं, हमारा मांद में आया हुआ शिकार को हम नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। शाबाश टकला बंधु, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। बांधो इनको भाई, बांधो सबको, बांधो। देखा हीरो लोग, एक बार फिर से बाजी इंडे बालन का हाथ में। डैडी, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतना गिर सकते हैं। बालन, प्रीतम मेरा लड़का है, छोड़ दो उसे। क्या बात करता है नेता, हमारा और तुम्हारा धंधा में माँ बाप बहन भाई बेटा कोई नहीं। जो हमारा गले में फंदा डालेगा, हम उसका गले में फंदा डालेगा। तुम्हारा बेटा फिनिश। एलमी, हम तुम्हारा एकड़ी तो पहला ही निकाल दिया, अभी अगर तुम बीच में आएगा हम तुमको भी फिनिश कर देगा। भूल जाओ बालन, हम तुमको ऐसी मौत मारेगा कि तुम्हारी हालत देखकर लोग पाप करना भूल जाएंगे। तुम? हाँ हम वो बिजली है जिस पर गिरता है उसको जलाकर राख कर देता है बुढ़े। ऐसा क्यों किया? हम तुमसे बहुत प्यार करता है सत्तू, मगर तुम तो शालू से प्यार करता है ना? हाँ एलमी, मगर अगर शालू बोला से प्यार करती है सत्तू, माँ, माँ, एक बार कह दो कि मैं गंदी कोकी पैदाइश नहीं हूँ। नहीं बेटे, नहीं, नहीं, नहीं। शालू, शालू, तुम बोला की अमानत हो। बोला, एक बार वही कह दो ना। कह दो ना। अच्छा जी, कह दो ना। अच्छा जी,
मेहनत की रोटी खाता रहूंगा, यूं ही पसीना बहाता रहूंगा, आंदाना पुन करेंगा, पाकिट ना पुन मारेंगा, ले लो कसम धंधे की, मुझसे ले लो कसम धंधे की।